हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, उसकी इकाई 3 आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं का अध्याय पहला, जिसका नाम है राजनीतिक समाजीकरण। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अध्याय राजनीतिक समाजीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण होता क्या है और यह कहाँ से आया है और इसकी शुरुआत कब हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकी राज्यों के अध्ययन के लिए तुलनात्मक राजनीति में अनेक नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ। व्यवहारवादी क्रांति के अंत अनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण भी राजनीति विज्ञान में विभिन्न नवीन अवधारणाएं शामिल की गई है। समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के बढ़ते अंतर संबंधों के फलस्वरूप कई समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं राजनीति विज्ञान में शामिल हुई, जिनमें राजनीति संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक समाजीकरण आदि प्रमुख है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा बालक मानव समाज से उस विशेष समाज का सदस्य बनता है। यानी इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, एक बालक जन्म लेता है, फिर अपने माँ बाप को जानने लगता है, अपने समाज को जानने लगता है, यानी कि समाज का सदस्य बनता है। राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है। और राजनीति जिस प्रकार एक बालक समाज में जन्म लेता है और अपने समाज को जानने लगता है, उसी प्रकार राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है, राजनीतिक जीवन एवं पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है। इस तरह जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है और जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति क्या करता है, राजनीति के प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एक साधन है। इसका मतलब ये है बच्चों कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी कि जैसे पहले अपने परदादा के पास, फिर दादा के पास, फिर पिताजी के पास, फिर हमारे पास, जिस प्रकार हमारी संपत्ति हस्तांतरित होती रहती है, उसी प्रकार राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एक साधन है, एक यंत्र है। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बच्चों, राजनीतिक समाजीकरण की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है और उसे अपने अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया है। तो अब हम देखेंगे कि अनेक विद्वानों ने इनकी परिभाषा किस प्रकार और किन किन किस प्रकार व्यक्त की है और किन किन शब्दों में अपनी परिभाषाएं दी है। राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वालों में हर्बर्ट हाइमन प्रमुख है। यानी कि राजनीतिक समाजीकरण की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है, हर्बर्ट हाइमन ने दी है, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में इसके विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है। यानी जो राजनीतिक समाजीकरण है उसके विविध पक्षों पर हर्बर्ट हाइमन ने प्रकाश डाला है। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, यानी वह प्रोसेस है, जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उसकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि कावनाद ने किस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा दी है। तो कावनाद के शब्दों में राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है, यानी उस प्रक्रिया की व्याख्या करता है, उसका वर्णन करता है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। इन परिभाषाओं का सार यह है, यानी अपने जो अपन ने जो परिभाषाएं पढ़ी है या विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, उनका सार यह है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना, यानी व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था, यानी राजनीति किस प्रकार चलती है, किस प्रकार की व्यवस्था होती है, उसकी शिक्षा प्रदान करना तथा विकसित करना है।
जिससे कि वह राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बन सके। यानी व्यक्ति को चीज़ें सिखाती है, उसका ज्ञान देते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की जाती है, किस प्रकार उसका विकास करना है शिक्षा का, और किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में वह अपना योगदान दे सकते हैं या सहायक बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण के साधन क्या क्या होते हैं या इसके टूल्स क्या क्या होते हैं। व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली समाज में अनेक संस्थाएं होती है। यानी व्यक्ति में क्या होता है, राजनीतिक समझ को विकसित करने वाली बहुत सारी संस्थाएं होती है। किसी एक संस्था के द्वारा वह विकसित नहीं हो सकती, बहुत सारी संस्थाओं का आपस में सहयोग होता है। जैसे परिवार, तो सबसे पहले हम कहाँ से सीखते हैं समझ, कहाँ पैदा होती है हमारे अंदर, परिवार में बच्चा सबसे पहले पैदा होता है। जब उसमें समझ आने लगती है तो अपने परिवार से मिलता है, शिक्षण संस्थान, फिर स्कूल जाने लगता है तो स्कूल में सीखता है। राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं, फिर वह राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं से सीखता है। फिर सरकारी प्रक्रियाएं होती है, फिर जनसंचार के साधन इत्यादि। ये क्या के साधन है, राजनीतिक समाजीकरण के साधन है। इनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी है जो अनायास एवं स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करती है, जबकि कुछ ऐसी होती है जो औपचारिक तरीकों से यह कार्य करती है। प्राय खुले एवं लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक समाजीकरण में अनौपचारिक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि चीन जैसे साम्यवादी एवं पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी, यानी पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी यानी जो कठोर होते हैं, जो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, जो ऐसे जो देश है पाकिस्तान जैसे जो कट्टरपंथी जो राज्यों में सरकारी तंत्रों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति की जबरन घूट पिलाई जाती है। यानी क्या, जो बुरे जो देश होते हैं, जो लड़ाई झगड़े करने पर जो ज़्यादा विश्वास करते हैं, युद्ध करने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनमें क्या होता है, सरकारी तंत्रों के माध्यम से उन्हें क्या है, राजनीतिक संस्कृति की जबरन घूट पिलाई जाती है। यानी कि उन्हें राजनीतिक समाज संस्कृति का वास्ता देकर उन्हें उनसे दोस्ती की जाती है, या उन्हें उनके युद्ध को या उनके युद्ध करने के जो विचार है जो है उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाती है। उपयुक्त संस्थाएं किस प्रकार से यह कार्य करती है, इस पर दृष्टि डालना उपयोगी रहेगा। अब हम देखेंगे कि जो संस्थाएं होती है राजनीतिक समाजीकरण की, वो किस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण में अपना योगदान देती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिवार, यानी कि फैमिली, और फैमिली जो परिवार होता है वो किस प्रकार योगदान देता है। तो परिवार प्रथम पाठशाला मानी जाती है। ये बच्चों हम भी जानते हैं कि परिवार जो होता है वो फैमिली जो होता है हमारी प्रथम पाठशाला होती है, वहीं से हम सब कुछ सीखना शुरू करते हैं, जिसके माध्यम से बालक रीति रिवाजों और परंपराओं को सीखता है। मतलब वह जिस जाति या जिस धर्म में पैदा होता है वहाँ की वह रीति रिवाजों और परंपराओं को सीखता है। वह अपने माता पिता की आज्ञाओं को स्वीकार करता है, यानी कि उनकी बातों को मानता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, जिससे उसकी सत्ता का बोध होता है, और जिससे उसकी जिसमें उसमें उसमें जिसमें जिससे उसमें क्या होता है, उस सत्ता का बोध होता है। यानी कि आज्ञा का वह अपने माता पिता की आज्ञा मानता है तो मतलब सत्ता अथॉरिटी का वह जानने लग जाता है, समझने लग जाता है। इसके अलावा सबके साथ मिलकर रहने, परिवार में सहयोग करने एवं अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस प्रकार दबाव बना जाए आदि बातें सीखकर वह राजनीतिक क्रियाओं की क्षमता विकसित करता है। यानी बच्चा परिवार में ही यह सीखता है कि किस प्रकार बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, किस प्रकार एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, किस प्रकार अपनी मांगों को मनवाना चाहिए और किस प्रकार उनसे व्यवहार करना चाहिए। ये सब चीज़ें बच्चा कहाँ सीखता है, अपने परिवार में ही सीखता है। सामान्यतः चुनावी अनुभव यह बताते हैं कि परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक दल का समर्थक होता है, और सामान्यतः क्या होता है, चुनावी अनुभव यानी चुनाव में जब तक जो बहुत सारे चुनाव जो हमने देखे उसका अनुभव यह जो हुए हैं चुनाव हुए हैं उसका अनुभव यह बताते हैं कि परिवार का मुखिया कि जिस प्रकार परिवार का जो मुखिया होता है जिस राजनीतिक दल का समर्थक होता है और राजनीतिक दल का जो समर्थक होता है यानी कि जो मुखिया होता है वह किस प्रकार सब पे अपना कंट्रोल रखता है। परिवार के अन्य सदस्य भी उसका अनुसरण करते हैं, और जिस प्रकार एक जो परिवार का बड़ा होता है वह बड़ा होता है उसकी सभी छोटे बात मानते हैं, और उसी की तरह क्या होता है राजनीतिक दल का जो मुख्य समर्थक होता है उसके जो सभी साथी होते हैं उसके जो सभी दल के साथी होते हैं वह भी उसकी बातों का अनुसरण करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जिस प्रकार एक परिवार का जो बुजुर्ग सदस्य होता है या जो मुखिया होता है उसकी बातों का या उसकी आज्ञाओं का पालन छोटे या उससे छोटे लोग करते हैं उसी प्रकार इस प्रकार राजनीति के प्रति प्रारंभिक समझ का विकास परिवार के माध्यम से ही होता है। दूसरा है शिक्षण संस्थाएं। राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक परिवार में जिन राजनीतिक अभिवृत्तियों को आत्मसात करता है शिक्षण संस्थाएं
शिक्षण संस्थाओं में वे और अधिक दृढ़ बन जाते हैं। यानी बच्चा जो परिवार में जो सीखता है, उसे जो संस्कार मिलते हैं या जिन सब चीज़ों को वो सीखता है कि किस प्रकार बड़ों का आदर करना चाहिए, किस प्रकार से सहयोग से रहना चाहिए, वह सीखता है ना, वो जब शिक्षण संस्थान में चला जाता है तो वह सभी कार्य और भी दृढ़ बन जाते हैं, यानी और भी पक्का बन जाते हैं और वह उन कार्यों को करने के लिए दृढ़ निश्चयी बन जाता है। विभिन्न पृष्ठभूमि के सहभागियों के साथ अनुकूलन करने की आवश्यकता से बालक राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधताओं और विरोधाभासों के साथ समायोजन करना सीखता है। बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी, इसकी संभावना ज़्यादा है कि वह राजनीति में उतनी ही रुचि लेगा। यानी कि बालक की शिक्षा, यानी बालक जितना अच्छी शिक्षा लेगा, परिवार में से जितनी अच्छी शिक्षा सीखेगा, बड़ों का जितना आदर करना सीखेगा परिवार में, और जिस सबसे बड़े जो मुखिया का बातें मानना सीखेगा, उसी प्रकार वह शिक्षण संस्थान में भी व्यवहार करेगा और वह सभी जगह इस तरीके का व्यवहार करेगा। उसकी शिक्षा जितनी व्यापक होगी, विस्तारित होगी, उतनी ही वह राजनीति में रुचि लेगा, यानी राजनीति में उसका अपना ही इंटरेस्ट रहेगा, उसके राजनीतिक ज्ञान का विकास होगा। लेकिन शिक्षण संस्थाओं का पाठ्यक्रम कैसा है, उसकी मित्र मंडली कैसी है, अथवा शिक्षकों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण या वैचारिक अभिमुखीकरण कैसा है, यह सब तत्व भी राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। क्योंकि शिक्षक अपने आचरण एवं अन्य विभिन्न तरीकों से अपने विद्यार्थियों को अपनी विचारधारा की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। वो मतलब बच्चा, उसकी जितनी शिक्षा व्यापक होगी, इसकी उतनी संभावना ज़्यादा होगी कि उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब उस ये किस पर निर्भर करता है कि शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम कैसा है, उस बच्चे की मित्र मंडली या उसके उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, या शिक्षकों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण कैसा है और वैचारिक अभिमुखीकरण कैसा है। ये सारे तत्व क्या करते हैं, राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। अब आता है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। तो राजनीतिक दल अपनी नीतियों, विचारधारा और कार्यक्रम के माध्यम से समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक देशों के साम्यवादी सर्वाधिकारवादी राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका अलग अलग होती है, ऐसे राज्यों में समाजीकरण के साधनों पर राज्य का कठोर नियंत्रण रहता है, जबकि लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है एवं वे स्वतंत्रतापूर्वक अपने अपने विचारों के अनुरूप समाजीकरण के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो क्या है इसमें, राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपनी नीति और विचारधारा को कार्यक्रम के माध्यम से क्या करते हैं, समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यानी वे समाजीकरण को समाजीकरण के विकास पर जोर देते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। समाजीकरण यानी समाज के एकीकरण के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक देशों एवं साम्यवादी सर्वाधिकारवादी राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका अलग अलग होती है, और सभी जगहों पर सभी देशों में क्या होता है, इसकी भूमिका लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, राजनीतिक दलों की भूमिका होती है वो अलग अलग होती है। यानी सभी देशों में एक जैसी नहीं हो सकती, जिस प्रकार किसी देश में पूंजीवादी विचारधारा होती है, किसी में साम्यवादी होती है, किसी में मिश्रित विचारधारा होती है, तो उसके अनुसार ये अलग अलग देशों में अलग अलग रूप से प्रभाव डालती है। राष्ट्रीय प्रतीक, विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस, सेना की परेड आदि के माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था के भाव पैदा किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे कई राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, जैसे कि हमारा तिरंगा है, हमारे राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह होते हैं, सेना की परेड जो होती है, उनके माध्यम से क्या किया जा सकता है, राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक आदर्शों के प्रति क्या, नागरिकों में आस्था के भाव या राष्ट्रीय प्रेम के भाव पैदा किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। जनसंचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आधुनिक समय में जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि व्यक्ति के राजनीतिक ज्ञान को तथा उसके विचारों को दिशा देने का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि किस प्रकार हम देश विदेश की खबरें हैं वो टीवी पे देख लेते हैं, अखबारों या समाचार पत्रों में पढ़ लेते हैं, रेडियो वगैरह में सुन लेते हैं, तो इससे क्या होता है, ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, इससे समाजीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव आजकल मीडिया के दफ्तरों में से लड़े जाते हैं, और आजकल भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव जो होते हैं वो मीडिया के दफ्तरों में से लड़े जाते हैं। इसका मतलब ये है कि चुनावी पार्टियों का प्रचार प्रसार कौन करते हैं, मीडिया करते हैं, क्योंकि वे विभिन्न कार्यमतों से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और जैसे कई पार्टीज होती है वो कार्य करते हैं तो मीडिया उन कामों को छाप देती है, इससे क्या होता है कि पूरे विश्व में वह सबको पता चल जाती है, सभी लोगों तक वह जानकारी पहुंच जाती है। तो भारत में ऐसा माना जाता है कि आजकल चुनाव है जो है वो मीडिया के दफ्तरों में से लड़े जाते हैं।
इस तरह राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि क्या राजनीतिक समाजीकरण जो होता है वो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अगर वह अच्छी व्यवस्था है तो उस पर अच्छा प्रभाव डालेगा राजनीतिक व्यवस्था पर, और अगर बुरी अगर समाजीकरण की अगर बुरी स्थिति है तो वह राजनीतिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालता है। समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश में नागरिकों व सरकार के बीच अंतःक्रिया का अभाव पाया जाता है, वहीं किसी और देश में सरकारों के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अंतर वास्तव में राजनीतिक समाजीकरण के स्तर का अंतर है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है आपका अध्ययन राजनीतिक समाजीकरण। बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।